बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी सेकंड ईयर बेटा, आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 13 है और आपका टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। और ये वो साइकिल होता है जिसमें नाइट्रोजन जो होती है वो सर्कल होती है, रीसर्कल होती है थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक हो गया, तो आज हम इसकी नाइट्रोजन साइकिल की क्या देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे। थ्री प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ दिस साइकिल आर अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड असेमिलेशन। तो इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? थ्री प्रिंसिपल स्टेजेस होती हैं। कितनी? तीन प्रिंसिपल स्टेजेस होती हैं नाइट्रोजन साइकिल की। पहली स्टेज क्या होती है? अमोनिफिकेशन। दूसरी स्टेज होती है नाइट्रिफिकेशन और तीसरी स्टेज होती है असेमिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनिफिकेशन को। मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, के ज़्यादातर जो नाइट्रोजन सॉइल में पाई जाती है वो किसका नतीजा है? डीकम्पोजिशन का नतीजा है। किसकी? ऑर्गेनिक मटीरियल की। ऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं ज़मीन के अंदर, उनकी डीकम्पोजिशन होती है जिसके नतीजे में जो नाइट्रोजन होती है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील हो जाती है या उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन जाती है। और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। दीज नाइट्रोजिनस कंटेनिंग कंपाउंड आर यूजली रैपिडली डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल कंपाउंड बाय सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म चीफली बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं कौन कौन? प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। इनको सॉइल ड्वेलिंग जमीन में रहने वाले जानदार जिनमें ज़्यादातर कौन है? बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं। वो क्या कर देते हैं? इनको डीकम्पोज कर देते हैं। किस चीज़ में डीकम्पोज कर देते हैं? सिंपल कंपाउंड में इनको डीकम्पोज कर देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज द प्रोटीन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन को यूज़ करते हैं और अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं एंड रिलीज एक्सेस ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन, और फिर उनको तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं और अमीनो एसिड को तोड़ते हैं और उनसे क्या रिलीज़ करते हैं? अमोनिया रिलीज़ करते हैं या अमोनियम आयन रिलीज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। दोबारा देख लें, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इधर ये इधर देख लें कि देर आर थ्री प्रिंसिपल स्टेजेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की तीन बड़ी स्टेजेज होती हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड असेमिलेशन। मच ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कहना चाह रहा है? कहते हैं कि ज़्यादातर जो नाइट्रोजन सॉइल में होती है, ज़्यादातर नाइट्रोजन जो कि सॉइल यानी कि ज़मीन में होती है वो किस चीज़ का नतीजा होती है? वो ऑर्गेनिक मटीरियल्स की डीकम्पोजिशन का नतीजा होती है। ज़मीन में ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल की डीकम्पोजिशन होती है और उस डीकम्पोजिशन के नतीजे में प्रोटीन्स बनती हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं, और इन्हीं के अंदर क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक हो गया, इसको इस तरह कहते हैं कि मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल, मच ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल and it is present in the form of protein, amino acid, nucleic acid and nucleotides. These nitrogenous compound, इनको क्या बोलते हैं? इन चारों को nitrogenous compounds कहते हैं। These nitrogenous compound are usually rapidly decomposed by bacteria and fungi. इन nitrogen containing compound को कौन decompose करते हैं? एक bacteria decompose करते हैं, decomposer जो होते हैं, और fungi।
ठीक हो गया। तो इन नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स को बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोज करते हैं और इन कंपाउंड को अमोनिया और अमोनियम आयन में तब्दील करते हैं। सो इन सारी चीज़ों से अमोनिया का बनना और अमोनियम आयन का बनना क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन कहलाता है, जो नाइट्रोजन साइकिल का पहला मरहला है, पहली स्टेज है अमोनिफिकेशन। सो आपने देखा कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनकी डीकम्पोजिशन होती है, उससे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड बनती हैं। फिर इन चीज़ों की डीकम्पोजिशन कौन करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। और इन चीज़ों से क्या निकालते हैं? रिमूव करते हैं अमोनिया और उसके बाद अमोनियम आयन। द रिलीज ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन फ्रॉम दीज नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। सो पहली स्टेज आपने क्लियर की कि मच ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। दीज नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड आर यूजुअली रैपिडली डीकम्पोज इनटू सिंपल कंपाउंड बाय सॉइल ड्वेलिंग। सॉइल ड्वेलिंग, ड्वेल का मतलब होता है रहने वाले, सॉइल ड्वेलिंग जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म चीफली बैक्टीरिया एंड फंजाई, के जमीन में बैक्टीरिया और फंजाई रहते हैं और वही बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? इन कंपाउंड को रैपिडली डीकम्पोज करते हैं, रैपिडली तोड़ते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया और फंजाई, दीज यूज द प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड को यूज करते हैं एंड रिलीज एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन, और क्या खारिज करते हैं? अमोनिया और अमोनियम आयन रिलीज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ठीक हो गया कि इन कंपाउंड से अमोनिया का रिलीज होना और अमोनियम आयन का रिलीज होना, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेज देखने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम है बेटा, ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है? इनर्ट नाइट्रोजन मौजूद है। आपको पता है कि 78% होती है, 78% जो है नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन इनर्ट होती है, लाइक रिएक्ट नहीं करती, पौधे इसको यूज नहीं कर सकते। सो एटमॉस्फेयर है और इनर्ट नाइट्रोजन का पूल मौजूद है, इनर्ट नाइट्रोजन पूल इन द फॉर्म ऑफ N2, दैट इज अबाउट 78%। अब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और कौन फिक्स करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो रूट नोड्यूल में रहते हैं। किसकी रूट नोड्यूल में? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, जिनका नाम क्या होता है? राइजोबियम। सो इस N2 को क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा प्रोसेस के जरिए, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। और उसके बाद किस में तब्दील किया जाएगा? उसको अमोनियम आयन में तब्दील किया जाएगा। ठीक हो गया। और एक और चीज़ भी देखें, ये प्लांट है, दिस इज प्लांट, और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है। प्लांट हैज क्लोरोफिल, प्लांट हैज अमाइनो एसिड, प्लांट हैज प्रोटीन, एंड इन दिस ऑल कंपाउंड, इन द क्लोरोफिल, इन द प्रोटीन, इन द अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। सो दिस इज प्लांट एंड इट कंटेन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। दिस प्लांट इज ईटन बाय एनिमल, दिस प्लांट इज ईटन बाय एनिमल। सो द नाइट्रोजन ऑफ द प्लांट नाउ ट्रांसफर टू द एनिमल। सो प्लांट में नाइट्रोजन थी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लांट के अंदर थी, इस प्लांट को जानवर ने खाया, तो अब नाइट्रोजन किसके जिस्म का हिस्सा बन गई? इट बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसकी होगी? एनिमल की होगी। अब क्या हुआ, इस पौधे की क्या होगी? डेथ हो गई। कुछ अर्से के बाद डेथ होती है हर चीज़ की, इस पौधे की डेथ होगी, कुछ अर्से के बाद इस जानवर की भी क्या होगी? डेथ हो गई। तो आपको पता है कि जब पौधे या जानवर की डेथ हो जाए तो उसके ऊपर कौन एक्ट करते हैं? डीकम्पोजर एक्ट करते हैं। वो कौन होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं। वो इनके ऊपर एक्ट करेंगे और इन चीज़ों को, इनकी प्रोटीन्स को, इनके अमाइनो एसिड को, इनके न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेंगे और क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया और अमोनियम आयन रिलीज करेंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अमोनिफिकेशन कहलाएगा। सो फिलहाल आपने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन थी, इनर्ट थी, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने क्या किया? फिक्स किया, और उसका नाम राइजोबियम था, और उसको अमोनियम आयन में तब्दील किया। इसके अलावा प्लांट के अंदर नाइट्रोजन थी,
प्लांट को जानवर ने खाया, वो जानवर के अंदर नाइट्रोजन चली गई, प्लांट में नाइट्रोजन, एनिमल में नाइट्रोजन, प्लांट की डेथ हुई, उसके बाद एनिमल की डेथ हुई, उसके ऊपर किसने एक्ट किया, डीकम्पोजर ने एक्ट किया, और उनसे भी पौधे और एनिमल से भी उन्होंने क्या रिलीज करवाई, अमोनिया या अमोनियम आयन रिलीज कराए बाई ए प्रोसेस कॉल्ड अमोनिफिकेशन। सो ये प्रोसेस आपने क्लियर किया है। अब चलते हैं दूसरी स्टेज की तरफ जो कि क्या है, नाइट्रीफिकेशन। मैं यहाँ से बता देता हूँ, अब इस अमोनिया की या इस अमोनियम आयन की, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनिया गैस, अब इन दोनों की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि इनसे अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो अमोनिया और अमोनियम आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और कौन करेंगे ये भी ऑक्सीडेशन, कौन करेंगे, बैक्टीरिया करेंगे, और उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, उन बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्टेज को क्या कहेंगे, नाइट्रीफिकेशन। तो जिसके नतीजे में अमोनिया और अमोनियम आयन पहले किस में कन्वर्ट होंगे, नाइट्राइट आयन में, नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये काम किसने किया, एक बैक्टीरिया ने किया जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिसका नाम नाइट्रोसोमोनास है। अब नाइट्रोसोमोनास की मजीद ऑक्सीडेशन कौन करता है, एक और बैक्टीरिया करता है जिसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, वो NO2 माइनस वन को NO3 माइनस वन में तब्दील करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में तब्दील कर देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में तब्दील कर देता है। याद रखना, अमोनिया या अमोनियम आयन का नाइट्राइट में तब्दील होना या नाइट्रेट में तब्दील होना, ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं, और नाइट्रिफिकेशन का अमल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से होता है। अमोनिया या अमोनियम आयन को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास होता है, और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में तब्दील किया जाता है, और ये वाला बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। सो इस स्टेज को आप नाइट्रिफिकेशन कहते हो। सिंपल कहना है कि अमोनिया और अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई है, पहले उसमें NH3 NH4 पॉजिटिव वन, अब क्या है NO2 माइनस वन NO3 माइनस वन, सो अब उसमें ऑक्सीजन आ गई है। सो अमोनिया या अमोनियम आयन की क्या करानी है आपने, ऑक्सीडेशन करानी है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनते हैं, नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन बनते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हो नाइट्रिफिकेशन। याद रखना, अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनर्ट नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में तब्दील करते हैं, इसके अलावा डीकम्पोजर मुर्दा पौधों और मुर्दा जानवरों को भी अमोनिया या अमोनियम आयन में तब्दील करते हैं, तो अमोनिया का पैदा होना, अमोनियम आयन का पैदा होना अमोनिफिकेशन, और फिर अमोनिया या अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन किसके अंदर, इनटू नाइट्राइट और इनटू नाइट्रेट, इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन। तो देखें सेकेंड स्टेज, सेवरल बैक्टीरिया इन द सॉइल, जमीन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आर एबल टू ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनियम आयन, दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रीफिकेशन। यानी कि इस अमल में क्या हो रहा है, इस अमल में अमोनिया या अमोनियम आयन उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पहले क्या बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्राइट आयन इज प्रोड्यूस, देन नाइट्रेट आयन इज प्रोड्यूस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन। अमोनिया या अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन बाय बैक्टीरिया इनटू नाइट्राइट और इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन। दिस इज ऑल्सो डन बाय बैक्टीरिया विच लिव इन द सॉइल। सो क्लियर इट, सेवरल बैक्टीरिया विच लिव इन द सॉइल आर एबल टू ऑक्सीडाइज द अमोनिया और अमोनियम आयन, दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रीफिकेशन, and it result in the production of nitrate ion and then nitrite, first of all nitrite ion then nitrate ion, conversion of ammonia or ammonium ion into nitrite is by nitrosomonas and conversion of nitrite into nitrate is by nitrobacter bacteria, both nitrosomonas and nitrobacter bacteria they are nitrifying bacteria. So now we come to the last stage, that is the third stage, and that is assimilation, and you know that
एसेमिनेशन मीन द यूटिलाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन, यूटिलाइजेशन ऑफ द अमोनिया नाइट्रेट और द नाइट्राइट। देखते हैं यूज करना, नाइट्रोजन जो ऑब्जर्व हुई है उसको क्या करना, यूज करना। Although the plant can utilize ammonium directly, nitrate is the form in which most nitrogen move from the soil into the root. This is very important MCQs. Although जो plants होते हैं वो ammonium ion को utilize कर सकते हैं, अगरचे plant, although plant ammonium ion को भी directly use कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किसको absorb करते हैं, ज्यादातर वो नाइट्रेट आयन को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। दिस इज द एमसीक्यूज। ऑल्दो द प्लांट कैन यूटिलाइज अमोनियम डायरेक्टली, अगरचे प्लांट अमोनियम आयन को डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट नाइट्रेट इज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन मूव फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट। सो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि विच इज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन मूव फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट, कि कौन सी फॉर्म है जिसके जरिए ज्यादातर नाइट्रोजन सॉइल से कहाँ मूव करती है, रूट में मूव करती है, आप कहेंगे नाइट्रेट। सो नाइट्रेट इज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन मूव फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट। आगे चलते हैं, वंस नाइट्रेट इज विद इन द प्लांट सेल इट इज रिड्यूस्ड बैक टू अमोनियम। अब अगर नाइट्रेट ऑब्जर्व हुआ और नाइट्रेट जब ऑब्जर्व हो जाता है तो पौधा उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर लेता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेता है। इन कंट्रास्ट टू नाइट्रिफिकेशन दिस असिमिलेशन प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। याद रखिएगा नाइट्रिफिकेशन जो है उसमें एनर्जी नहीं लगती, लेकिन ये जो असिमिलेशन का प्रोसेस है बेटा इट रिक्वायर एनर्जी। याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है दैट रिक्वायर एनर्जी, आप कहेंगे असिमिलेशन इज द प्रोसेस दैट रिक्वायर एनर्जी। इधर देखें एक दफा, अब ये क्या बन चुके हैं, दीज आर द नाइट्रेट, दीज आर द नाइट्रेट दैट मूव फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट ऑफ द प्लांट। ये जो नाइट्रेट है ये अब जमीन से सॉइल से क्या करेगा, मूव करेगा इनटू द रूट ऑफ द प्लांट, और वहां जाके दोबारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। नाइट्रेट मूव करेगा रूट के अंदर और वहां जाके रिड्यूस हो जाएगा दोबारा किसमें, अमोनियम आयन में। सो ज्यादातर कौन सी फॉर्म पौधा ऑब्जर्व करता है रूट के जरिए, दैट इज द नाइट्रेट। एंड इन द प्लांट सेल दिस नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड अगेन इनटू अमोनियम आयन। द अमोनियम आयन दस फॉर्म आर ट्रांसफर टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड टू प्रोड्यूस। तो उसके बाद ये जो अमोनियम आयन होगा ये क्या होगा, ट्रांसफर्ड इनटू कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड। अब ये अमोनिया जो बना है नाइट्रेट से ये जो अमोनिया बना है अब ये उन कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा। सो द अमोनिया आयन दस फॉर्म आर ट्रांसफॉर्म्ड टू कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एटसेट्रा। सो ये आपने देखा, लास्ट लाइन देख लें, द अमोनियम आयन दस फॉर्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कार्बन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड एंड अदर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड नीडेड बाय द प्लांट। के ये जो नाइट्रेट ऑब्जर्व हुए और नाइट्रेट पौधे में जाके अमोनिया में कन्वर्ट हुए दोबारा, या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुए, अमोनियम आयन को फिर नाइट्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में तब्दील कर लिया जाएगा। जो जो पौधे को चाहिए उनमें से न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकती हैं, वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, वो अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल था। इसका एक चौथा मरला भी होता है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया लेकिन डायग्राम में मेंशन किया गया है, ये है डीनाइट्रिफिकेशन। दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन एंड दिस इज डन बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि NO3-1 दैट इज नाइट्रेट आयन
दैट इज नाइट्रेट आयन. दिस इज रिड्यूस्ड बाय डीनाइट्रिफिकेशन बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया इन टू एन टू. सो क्या हो रहा है, NO3 माइनस वन इज बीइंग कन्वर्टेड इन टू एन टू. This process is called denitrification. It is done by anaerobic bacteria which are called denitrifying bacteria. तो क्या है बेटा कि जो नाइट्रेट आयन है इसको कुछ anaerobic bacteria होते हैं जिनको हम denitrifying bacteria कहते हैं, वो क्या करते हैं इसको दोबारा reduce करते हैं किसके अंदर, into nitrogen. और nitrogen gas होती है, वो दोबारा कहाँ चली जाती है, into the atmosphere चली जाती है. This process is called denitrification done by anaerobic bacteria which are called denitrifying bacteria, and here the nitrate is reduced into nitrogen and it come again into the atmosphere. So this is the nitrogen cycle. Allah Hafiz.